नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जनवेजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइलो एल्केन के बारे में। हाइलो एल्केन एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं और इनको हम एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। हाइलो एल्केन को हम आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हाइलो एल्केन को हम आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। आप लोग जानते होंगे एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर हम उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दें तो हेलो एल्केन का निर्माण होगा। अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करके तो इसका फार्मूला CnH2n+1x यह बन जाएगा। यहाँ पर x जो है वो हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे तत्व होते हैं। तो हम आप लोग समझ गए होंगे कि हाइलो एल्केन किन्हें कहते हैं। इनको हम एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। और हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे तीन भागों में कैसे बांट, मोनो, डाई और पॉली। मोनो, डाई और पॉली। मोनो, डाई और पॉली। पॉली में ट्राई और टेट्रा भी आ सकते हैं। अगर उनके नामनक्लेचर की बात करें तो एल्किल हैलाइड का नामकरण हम तीन प्रकार से करते हैं। नामनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर की हम बात करें तो तीन प्रकार से होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। 1 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, मतलब कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा उसे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो वो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, उसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे, जिस कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु, उस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब इसी तरह 2 डिग्री के लिए देखेंगे, और 2 डिग्री के लिए हम जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, 2 एल्किल ग्रुप मतलब 2 एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे। यहाँ पर आप R CH3 भी रख सकते हैं, R बराबर आप CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, मतलब आप रख सकते हैं कुछ भी एल्किल ग्रुप से रिलेटेड। एल्केन के ही रखने हैं आपको। तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर हम 3rd डिग्री की बात करें, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड कैसे लिखेंगे, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड लिखने के लिए जिस कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा उसे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे।
तो उसे हम थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, उसे हम थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। यहाँ पर ये एल होगा, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हेलो एल्केन किन्हें कहते हैं। हेलो एल्केन एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं और इनको हम आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं, आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इनको हम आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एल्केन में जब एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। जैसे मीथेन, मीथेन को हम ओपन करके लिखेंगे, चार हाइड्रोजन होते हैं। जब इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइलोजन परमाणु द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर ये एच है, एच की जहाँ पर हम एक्स कर दें तो ये हेलो एल्केन बन जाएगा, यह बन जाएगा हेलो एल्केन। इस तरह से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और ये परमाणु हाइलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली, मोनो, डाई और पॉली। नॉमेनक्लेचर बात करें तो हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री में आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, 2 डिग्री में ये हो जाएगा और 3 डिग्री में ये हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।